सो हे गाइस, दिस इज हियर रोहित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बजट लैपटॉप के बारे में। मैं इसे बेस्ट बजट लैपटॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप में जो आपको मिलती है स्पेसिफिकेशंस और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि मुझे इस प्राइस पे इतनी चीजें कैसे मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि लैपटॉप में क्या कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं आपको। और आप देख पा रहे हैं इसकी लुक को, आप इसकी प्रीव्यू देखें पहले एक बार तो आप देख पा रहे हैं। बस साइड में आपको कुछ पोर्ट्स मिलते हैं जो कि आप जिससे कि आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो और अपने USB 3.0 से अपने लैपटॉप को मतलब कि कीबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, अपने माउस से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप देख पा रहे हैं इसकी एक फर्स्ट लुक, एक बहुत ही साइलेंट लुक में आता है। और ये यहाँ पर ASUS का एक लोगो है, ये ASUS का है ब्यूबुक X531FA। और ये लैपटॉप एक बहुत ही अमेजिंग लैपटॉप है। इस लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। आप सबसे पहले इसकी प्रीव्यू देखें, ये इसका एक बहुत ही शाइनी लुक है। आप देख पा रहे हैं एक बहुत आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही प्रीमियम वाली फीलिंग आएगी आपको अगर आप इस लैपटॉप को छूते हो तो। और यहाँ पर आपको मिलता है ASUS का एक लोगो, आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है, शाइनी है। और इसकी जो अब मैं आपको दिखाऊं तो अब देखिए इसको, यहाँ पर ASUS लिखा हुआ है और ये बहुत ही शाइन कर रहा है। और इसकी जो बॉडी है मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि आपको इस लैपटॉप में जो बॉडी मिलती है उससे आपको एक बहुत ही प्रीमियम वाले लैपटॉप को छूने का मजा आएगा। मतलब कि जो आपको मिलती है एप्पल के लैपटॉप्स में, मैकबुक्स में जो मिलती है आपको लुक वैसे ही है और एक बहुत ही अमेजिंग मजा आता है इसको छूने के बाद। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये लैपटॉप वर्क करता है और कैसी इसकी डिस्प्ले है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो देखिए मैं अब इसे ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसी इसकी लुक है। तो आप देखिए ये इसकी एक 15 इंचेस की डिस्प्ले है और ये फुल HD 1080p की डिस्प्ले है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है ASUS VIVOBOOK का एक लोगो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और मैं बात करूँ इसकी कीबोर्ड की तो आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड एक बहुत ही अमेजिंग, इसकी गैप देख रहे हैं आप, इसकी जो वर्ड है आप जो देख रहे हैं की इसकी के बीच एक बहुत ही अमेजिंग इसकी गैप है ताकि आपको टाइपिंग करने वक्त कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। और मैं बात करूँ इसकी और भी रिव्यू की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ASUS VIVOBOOK का कुछ मेन फीचर्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक नॉ मतलब कि आपको इसमें जो मिलती है बेजल्स बहुत ही कम मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पर USB टाइप सी का एक चार्जिंग केबल मिलता है और यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस लैपटॉप में। और सबसे मेन चीज़ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सोनिक मास्टर का आपको मिलता है एक साउंड सिस्टम जिसमें कि आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप इसे हेडफोन में सुनते हो तो आपको और भी अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और आपको इस लैपटॉप में इंटेल की कोर i3 की 10th जनरेशन की प्रोसेसर देखने को मिलती है जिसमें कि आपको 512GB की SSD के ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। और ये लैपटॉप में आपको SSD लगा हुआ है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आप पहले देखें इसकी डिस्प्ले को, इसकी बेजल्स बहुत ही कम है। और मैं आपको दिखाऊँ अभी तो आप देखिए इस लैपटॉप की रिव्यू को तो बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पर इसकी माउस है और ये फिंगरप्रिंट है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, ये मतलब कि एक बहुत ही अच्छे फीलिंग्स के साथ आती है। और मैं इसे ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसी इसकी बूटिंग स्पीड है, क्योंकि इसमें SSD है तो इसकी बूटिंग स्पीड बहुत ही अच्छी होगी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो देखिए मैं इसे बूट करता हूँ, अब देखिए ये ऑन हो रहा है और यहाँ पर ASUS का एक लोगो आया था इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल और ये बहुत ही अमेजिंग स्पीड से ऑन हो चुका है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और देखिए कैसे ये वर्क करता है। देखिए ये ऑन हो चुका है और यह इसका एक फुल HD डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी जो डिस्प्ले है बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसकी बेजल्स आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम है और ये फुल HD है तो आपको इस लैपटॉप में 4K का सपोर्टेड मिलता है। और साथ ही आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अमेजिंग चीज़, इसकी कीबोर्ड एक बैकलिट कीबोर्ड है जिसमें कि आप अगर रात में टाइपिंग करते हो तो वो पीछे से आपकी लाइट जलेगी ताकि आपको टाइपिंग करने वक्त कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप देख पा रहे हैं इसकी लुक को, ये एक बहुत ही अमेजिंग लैपटॉप है। और मैं इसे बेस्ट बजट लैपटॉप इन 2020 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आपको इसमें बैकलाइट कीबोर्ड, साथ ही एक फुल HD डिस्प्ले और साथ ही आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर और i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ साथ SSD का ऑप्शन देखने को मिलता है। और आप देख पा रहे हैं मुझे ये मतलब कि आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, बैकलाइट कीबोर्ड बहुत ही अमेजिंग ये ग्लो कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये है इस लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात। अब मैं बात करता हूँ इसकी, आपको दिखाता हूँ इंटरनल स्टोरेज की, आपको इंटरनल में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप जैसे यहाँ तो माई PC पे और जाते हो प्रॉपर्टीज़ पे
तो आपको यहाँ पर विंडोज 10 का प्री इंस्टॉल मिलता है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मैक फीका एंटीवायरस भी देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 15 मंथ तक की वैलिडिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए इसकी कुछ डिटेल्स, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको इस लैपटॉप में i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर है, जो कि 2.59 गीगाहर्ट्ज़ तक ये इसकी क्लॉक स्पीड है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है इस लैपटॉप की कि आपको इसमें एक बहुत ही अमेजिंग क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। और आपको इस लैपटॉप में 4GB की एक DDR4 रैम देखने को मिलती है और 512GB की SSD की देखने को मिलती है। और ये लैपटॉप आपको 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसकी जो कैश मेमोरी है वो आपकी है 4MB की। तो आपको कैश मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी लैपटॉप में। और आपके लैपटॉप में ये कैश मेमोरी है तो आपको एक बहुत ही अमेजिंग आपकी जो होती है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ वर्क करते हो तो आपको वो रैम जो है इस टाइम पे आपकी बहुत ही वर्क करता है, ताकि आपकी जो वर्क हो वो बहुत ही अमेजिंग हो और आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेस्ट बजट की वीडियो लैपटॉप की वीडियो पसंद आई होगी। और इसकी प्राइस जो है, मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूं अभी, इसकी प्राइस जो है वो है 40,000। जी हाँ, ओनली 40,000 में आपको 512GB की SSD देखने को मिलती है, जो कि M.2 की PCIe SSD है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर और फुल HD डिस्प्ले के साथ साथ जो आपको मिलने वाला है इसका बैकलिट कीबोर्ड, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। और इस प्राइस पे ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ASUS इस टाइम पे ये लैपटॉप देखने को दे रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।